हेलो गाइस, आपने तो सुना ही होगा कि टेस्ला की इंडिया में एंट्री हो चुकी है। मुझे पता है आप में से कई लोग टेस्ला की कार्स को इंडियन रोड्स पर देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। मगर आज मैं आपको ये बात बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो टेस्ला किलर साबित हो सकती है, और वो कार और कोई नहीं, पोर्शे टाइकन है। तो गाइस, आज की वीडियो इसी कार के बारे में, तो वीडियो काफ़ी डिटेल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग बात से। इस कार का जो नाम है टाइकन, वो एक टर्किश वर्ड है लाइवली यंग हॉर्स के लिए। पोर्शे टाइकन एक ऑल इलेक्ट्रिक सेडान है जिसे जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर पोर्शे द्वारा बनाया जाता है। यह कार टोटल 6 वेरिएंट्स में आती है। इस कार का जो लोएस्ट वेरिएंट है, बेस वेरिएंट, उसमें आपको 79.2 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी मिलता है। इस वेरिएंट में आपको ओनली रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन ही मिलता है। साथ ही साथ यह कार 402 HP प्रोड्यूस करती है। इस वेरिएंट को पहली बार चाइना में जुलाई 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद यूरोप और US में जनवरी 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यह वेरिएंट 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 5.4 सेकंड्स में पकड़ सकती है। इस वेरिएंट की टॉप स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 431 किलोमीटर है। इस कार का जो टॉप वेरिएंट है पोर्शे टाइकन टर्बो एस, उसमें आपको 93 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी मिल जाता है। यह वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में अवेलेबल है। यह वेरिएंट 751 HP पावर प्रोड्यूस करता है। इस वेरिएंट की टॉप स्पीड 260 किलोमीटर पर आर है। यह वेरिएंट 0 से 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड 2.8 सेकंड्स में पकड़ सकती है। इस वेरिएंट की रेंज 416 किलोमीटर है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि अभी मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना कर सकें।